हेलो जी, एक नए लोग के साथ आ गए हैं हम आगरा। और आने के बाद भाई देखो ये होटल है, ऊपर दिखाऊंगी बैक कैमरे से, बहुत अच्छा होटल है। तो भाई यहाँ के हम नहा लिए हैं और अभी जाएंगे यहाँ देखने के लिए ताजमहल। और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छी हवा चल रही है और देखो बहुत ही अच्छा रूम मिला है। दिखाऊँगी आपको बैक कैमरे से। और ये डाले मैंने जींस टॉप, ये देवदक्ष हैं, सेम ड्रेस डाल रखी मैंने मेरे बेटे की। और ये देखो होटल है भाई, जहाँ हम रुक रहे हैं, ऊपर रुक रहे हैं हम। और ये गाड़ी स्टार्ट हो रही है अभी। मैं दक्ष कैसा लग रहा है बता? अच्छा लग रहा है। आगे आगे और भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है देखो। अभी बैठ गया हम इसमें, अपनी गाड़ी पे आ गए हम पीछे भी। और अब हम जाएंगे ताजमहल देखने, आप सबको दिखाएंगे, तो बने रहना भाई हमारे साथ। तो फिर ये यहाँ से भाई, जहाँ से हमारी गाड़ी हमने रोक दी थी, पार्किंग कर दी थी, वहाँ से लेकर और ताजमहल का रास्ता था कम से कम 4 या 5 मिनट का चलने को, तो पैदल भी चले जाते। बहुत अच्छी हवा चल रही थी और मौसम बहुत ही अच्छा था, मतलब ठंडा था एकदम बिल्कुल। लेकिन बच्चे नहीं माने, बोल रहे थे नहीं मम्मी हम तो थक गए, पैदल हमसे नहीं चला जाएगा। वरना मैं तो बोल रही थी कि बहुत अच्छी हवा चल रही है और थोड़ी सी दूर है, चलो पैदल चलते हैं, थोड़ा सा मतलब वॉकिंग सी भी हो जाएगी। लेकिन बच्चे ने मना कर दिया कि नहीं मम्मी हम नहीं चलेंगे। तो फिर इसके पापा बोले कोई बात नहीं, बच्चे थके हुए हैं तो चलो बैठ के ही चलते हैं। तो वही मैं आप सबको दिखा रही थी भाई, बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ थी, बहुत लोग आते हैं घूमने के लिए। जिस जो नहीं आया घूमने के लिए तो भाई ज़रूर आना एक बार, क्योंकि भाई बहुत ही अच्छा है भाई। ताजमहल भी है और प्रेम मंदिर का मैंने आपका दिखा दिया है, तो क्या नाम है वो भी मंदिर भी बहुत ही अच्छा है। तो ये देखो मैं ऐसे ही वीडियो बना रही थी, और क्या नाम है बच्चे तो ऐसे मस्ती करते चल रहे थे कि बोल रहे थे मम्मी फ़ोन को गिराओगे वीडियो बना रहे हो। तो मैं ये देखो यहाँ पे भीड़, हम इस टैक्स से उतरे ना तो एकदम ऐसे जैसे माल की मक्खी नहीं लग रही इस तरह, इतनी भीड़ है। और उतरने का मौका भी नहीं दिया, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। देखो ये देखो कितनी भीड़ है। ये देखो भी हम आ गए हैं अंदर, और ये देखो कितना अच्छा गार्डन है यहाँ पे देखो। और ये देखो देव का कैसा मुंह बना रखा, देव बुरी तरह थक रहा था, बोला मम्मी मेरे को फ़ोटो नहीं खिंचवानी। लेकिन मैं बोल रही थी कि नहीं बेटा खिंचवा ले। तो फिर हमने भाई यहाँ एक दो फ़ोटो क्लिक की थी। और क्या नाम है यहाँ पे जो भाई क्या नाम कन्ना के, और ये गढ़ में डालने के लिए बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे और बिल्कुल अच्छे रेट में। मैं भी ख़रीद कर ले आई हूँ 3-4। तो भाई जो अपन अपने यहाँ ना कम से कम 250-300 में मिल रहा है ना आगरा में, वो 50-50 रुपये में मिल रहे हैं, बहुत अच्छा। और ताजमहल 30 रुपये में, 50 रुपये में। लेकिन ताजमहल तो घर में बोलते हैं कि। तो जी ये यहाँ पे जा रहे थे हम अंदर, और क्या नाम है देवदक्ष थे साथ में। और ये देखो भाई ताजमहल जितना मतलब ये दिखता है ना फोटो में वीडियो में, उससे कहीं ज़्यादा भाई सुंदर है देखने में। और क्या ये बिल्कुल वाइट नहीं है, थोड़ा सा इसका कलर क्रीम कलर का वो है ना, अपने जो देसी भाषा में बोलते हैं वैसा कलर है भाई। और यहाँ पे सभी फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, फ़ोटो ले रहे थे। और भाई फ़ोटो वाला था ना वो भी बहुत सुंदर फ़ोटो बना रहे थे, बिल्कुल भी कहीं पर भी कोई कमी नहीं थी। और हमने भी फ़ोटो बनवाए भाई, कम से कम 7 या 8 फ़ोटो मैंने बनवाए थे। और सोच तो रही थी कि भाई ज़्यादा नहीं बनवाऊँगी, 2 या 3 ही बनवाऊँगी, लेकिन देख के कि भाई बहुत अच्छे सुंदर फ़ोटो बना रहे, तो मैंने भी 5-7 फ़ोटो फिर बनवा लिए थे। और क्या नाम है फिर ये देव वीडियो बना रहा था।
और यहाँ पे बोल रहा था चलो मम्मी आपकी एक दो रील बना देता है, तो फिर भैया मैं ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, रील बना रहे थे, ऊपर तक गए हम चढ़ के, देखो दूर से दिख रहे होंगे आपको, वहाँ ऊपर भी हम वहाँ गए थे। रात को थकावट बहुत ज़्यादा लग रही थी और ये बोल रहा था देव कि दख से कि मम्मी आप अब मेरी वीडियो बनवा लो, आप तो कितनी देर होगी फ़ोन ही लेके वीडियो ही बनाए जा रहे हो, ये आगे जा रहे तीनों पापा बेटा। और ये देखो भाई ताजमहल, और मेरा तो यहाँ अंदर मतलब थोड़ा सा ये था कि मैं यहाँ के वीडियो बनाऊँ, मेरे को अच्छा लग रहा था, लेकिन ये सब मना था अंदर जाके वीडियो नहीं बनाना, तो फिर मैं अंदर नहीं गई, यही सब दिखा रही हूँ आप सभी को। ये देखो भाई यहाँ पे ये है ताजमहल, और ये देखो बंदर नहा रहे हैं पानी में, डुबकी लगा रहे हैं ये देखो और ये देखो भाई होगी रात, पता नहीं टाइम तो मन नहीं पता कितना बस आ गया, 8:15 हो गए फोन में देखा है। और ये है होटल, उल्टा दिख रहा होगा, तो अभी हम खाएंगे खाना, भाई थक गए दिख रहे हैं। वहाँ बैठ जा, वहाँ बैठो, साइड बैठ, इस साइड बैठ, कोई नहीं बैठ। इसको लगी है भूख, नींद भी आ रही है, वैसे तो पूरा दिन खाया कुछ ना कुछ, लेकिन बच्चे थक गए। चले भी तो कितने पैदल चले, कितने चले पैदल, ऐसे लग रहा है 10 दिन का एक दिन नहीं। अब पानी मंगा, मॉर्निंग सारा ने 8 बज गए होंगे, और भाई हम मैं नहा ली सबसे पहले, मैं यो देव के पापा यहाँ मस्ती कर रहे हैं इनका उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, क्योंकि एसी चल रही है, और वही रात का बिल्कुल पता नहीं लग गया, इतने थक गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे मतलब। और वही बाहर का भी देखो, बाहर दिखा ए यहाँ पे है ये छोटी सी बालकनी यहाँ पे, और ये देखो बाहर धूप निकल गई है, और रूम की अभी हालत हो रही बहुत बुरी। एक बार ये मेरा यहाँ पे कानू सो रहा है, अब इनको उठाऊंगी, और ये देखो पूरी रूम की अभी तो हालत ऐसी हो रही है, बाद में दिखाऊंगी आप सभी को, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा थक गए थे। और दे उठ जा बेटा अभी, ये दक्ष जा रहा नहाने के लिए, लेकिन रूम बहुत अच्छा है ये देखो, ये अभी दक्ष नहा रहा है, ये है यहाँ पे। ये देखो पूरा मतलब बहुत अच्छा बाथरूम है, बहुत अच्छा, और ये यहाँ पे शीशा ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे बेड, रूम छोड़ने का मन नहीं कर रहा क्योंकि बिल्कुल ठंडा हो रहा है, मजे हो रहे हमारे, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा भाई अपने घर। ये देखो एक बार कर लेती हूँ मैं ये सामान सारा पैक, ये दो अलमीरा दे रखी है कि यहाँ पे नहीं, एक ही है वो दूसरे रूम में थी शायद। यहाँ पे टीवी लगा, वाईफाई भी चल रहा था, पूरी रात खूब मजे करे हमने। अभी कर लेती हूँ मैं सामान पैक, देखो पूरा बिखर रहा है, फिर दिखाऊंगा आप सबको।
तो भाई देखो हम जा रहे हैं, हम और बिल्कुल सारा साफ सुथरा कर दिया है। ये देखो ये पलोथीन है दो तीन, ये देखो पूरा एकदम साफ सुथरा रूम कर दिया है। ये देखो ये मैं चप्पल पहन कर चली जाऊंगी भाई, ये टीवी अब निकलेंगे ना तब बंद कर दूंगी। और ये देखो यहाँ से आ रही रोशनी, और ये देखो पूरा कर दिया साफ भाई। वही है ना, कोई मतलब करते हैं तो ये भी साफ जाने के बाद चद्दर वद्दर चेंज करते हैं, लेकिन वही ना भाई कहीं से जाओ तो अच्छे से साफ सुथरा करके ही निकलना चाहिए, ताकि बंदे का ये ना हो कि भाई बहुत गंदा करके गए हैं। पूरा साफ सुथरा कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया है। और भाई हम चलते हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रूम था। और भाई थोड़ा महंगा तो था ही, लेकिन कोई नहीं भाई, वैसे सब कुछ अच्छा था। चलते हैं। ये वही जिसमें रुक रहे थे वहीं का नीचे का है। और फिर ये हमने करना था ब्रेकफास्ट, तो फिर थोड़ी सी सोचा चलो वीडियो बना के आप सभी को दिखाती हूँ। तो भाई बहुत साफ सफाई थी, तो ये मैं आपको सबको दिखा रही थी। भाई कैसी वीडियो लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, घंटी को दबा दिया करो। ये देखो फोटो कितना प्यारा रहा और कितना सुंदर लग रहा, बहुत सुंदर था। और भाई ये यहाँ से आते हैं, फिर ये ऊपर के साइड जा रही थी सीढ़ियों से, तो ये देखो यहाँ था हमारा रूम। और जो ये पत्थर बिछा रखा है ना सीढ़िया में, ये जैसे चमकीला था, मतलब बहुत शाइनिंग थी, बहुत ज़्यादा शाइनिंग थी। ये यहाँ पे थी एक तस्वीर, और क्या नाम है, बिल्कुल बहुत सुंदर, मतलब आपको कहीं गंदगी नहीं दिखाई देगी इस होटल में। बहुत ज़्यादा साफ सुथरा होटल था, रूम भी और सारी जगह से ही साफ था भाई, कोई कहीं गंदगी नहीं थी। ये देखो आप कहीं पे भी नज़र मार लो तो एकदम साफ सुथरा था। और ये दक्ष बोल रहा था कि वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो और ये बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। और ये सभी टेबल पर एक एक रोज़ लगा रखे थे। और भाई ये जैसे प्लास्टिक के नकली नहीं, बिल्कुल असली फूल थे। ये देखो वाइट कलर का कितना प्यारा लग रहा है। और ये हमने कपड़े चल रहे हैं अपने घर की तरफ। चलो और भाई अगले व्लॉग में बताऊंगी बहुत ज़रूरी बात ताजमहल से जुड़ी हुई।